आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से एक खुशखबरी निकल के आ रही है। हमारे पास जानकारी आई है जिसमें डाल चंद्र जी हैं आगरा जनपद से, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ यूनियन की तरफ से एक ये प्रयास किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं भाई ने कुछ चीज़ें लिख करके भेजी हैं कि आवश्यक सूचना। आज माननीय बेबी रानी मौर्य जी जो मंत्री हैं आपकी, उनके निवास कार्यालय जो कि आगरा में है, तो वहां पर आउटसोर्सिंग भर्ती के संबंध में माननीय मंत्री जी को बताया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर रखे जाएंगे उनमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन बच्चों को पूर्व से ही आंगनबाड़ी बहनें पढ़ाने का कार्य कर रही हैं। ऐसे में एजुकेटर की आवश्यकता नहीं है, आंगनबाड़ी को रुपया देने को सरकार पर नहीं है, एजुकेटर को 10,000 रुपया देने को हैं। बहनों जो है, समझ लो आपके प्रति कैसे विचार हैं, आप बहुत होशियार हैं। तो यहां पर इस तरह से उन्होंने लिख करके भेजा, उन्होंने कहा माननीय मंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वह पत्र लिखकर के अवगत कराएंगी। तो ये जानकारी आई है, यानी जिस एजुकेटर भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश में महीने भर से प्रदर्शन हो रहे हैं, उन चीजों को लेकर के शासन तक शायद इनकी वजह से आसानी से समस्या की समाधान के लिए आवाज वहां पहुंच जाए। चूंकि मंत्री है बेबी रानी मौर्य और ऐसे में वो चाहेंगी पत्र लिखेंगी तो उसका कहीं ना कहीं जो है विचार किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि आगरा जनपद में ही आपकी बेबी रानी मौर्य का निवास कार्यालय है, तो वहीं से हमारे आगरा जनपद से ही प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश आगरा जनपद में, आप देखिएगा डालचंद्र जी, और जिन्होंने अपने वहां पर एक ये प्रयास किया है, प्रयास उनका सराहनीय है। वहीं बात करें इस मामले में, ये रहा वो लेटर जो अगर माननीय बेबी रानी मौर्य जी ने जो उनसे कहा है कि वो उत्तर प्रदेश योगी सरकार को भेजेंगी मुख्यमंत्री जी को, तो अगर ऐसे में ये लेटर वहां पर जाता है तो आखिर कौन कौन सी समस्या वहां पर जो है लेटर के तौर पर जाएंगी। लिखा गया है सेवा में माननीय बेबी रानी मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आउटसोर्सिंग भर्ती में बदलाव करके आंगनबाड़ी कर्मियों को ही एजुकेटर बनाए जाने के संबंध में, ये प्रसंग में प्री प्राइमरी का लेटर है ईसीसी एजुकेटर से जुड़ा हुआ 24 अगस्त का, यानी पिछले महीने का जो 24 तारीख को जारी हुआ था, ऑल इंडिया पर दिखाया जा चुका है। महानिदेशक शायद या स्कूल शिक्षा की तरफ से, आप कह लीजिएगा, लेटर शिक्षा विभाग से जारी था। अब यहां पर जो मुख्यमंत्री जी के लिए जो लेटर प्रेषित है उसमें बहनों की समस्या स्वरूप लिखा गया है कि निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी में जो आउटसोर्सिंग भर्ती निकाली गई है उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है, हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पेट पर लात मारने का कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदेश के 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में असंतोष व्याप्त है। समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन यानी ईसीसीई एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विषय 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,313 रुपया मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया है। तो आप देख रहे हैं चीजें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के लेटर के हिसाब से या उनके जो है स्वीकृत जो बजट है इस सत्र का उससे ये चीजें रखी जाएंगी, तो ऐसे में इन चीजों पर विचार होना चाहिए और केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर उनके इस बजट को लेकर के किस तरह से क्या क्या चीजें कराई जा रही हैं। भर्ती के बाद में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के मामले में आंगनबाड़ी का काम फिर तो खत्म हो जाएगा,
चूंकि एजुकेटर आएंगे वो पढ़ाएंगे, जब सरकार उनको 10,313 रुपया देगी तो उनसे ही तो कार्य लेगी, तो कहीं ना कहीं पढ़ाने का जैसा जिम्मा मानो एजुकेटर के कंधों पर चला जाएगा, तो आंगनबाड़ी के पास क्या रह जाएगा? क्या खाली स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर के आशा की तरह कार्य करें और आशा बन जाए, क्या ये कार्य रह जाएगा केवल? और बहने मेहनत करें, आपने कल एक आर्टिकल देखा था, सम्मानित सीएमओ किए जाए आंगनबाड़ी सेंटर पर, उनको सुविधा संपन्न बनाने के लिए केंद्रों को उनके बदौलत सीएमओ को सम्मानित किया गया, तो ऐसी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। आईसीडीएस की मुख्य 6 सेवाएं हैं जिनके आधार पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है, केवल वही कार्य उनसे लिए जाएं जो ज्यादा बेटर हैं, लेकिन बजाय इन चीजों के गैर विभागों के काम थोपे जा रहे हैं। खुद के जो आईसीडीएस की 6 सेवाएं थी मुख्य रूप से जिनके लिए इनको नौकरी पर लगाया गया, उनसे कहीं ना कहीं भिन्न इनसे जो है उनको ले जाया जा रहा है और अलग अलग तरह के कार्य कराए जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। एक पहचान जो उनकी है नौकरी को लेकर के वो कहीं ना कहीं छिनती नजर आ रही है। फिर आंगनबाड़ी करेंगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर एजुकेटर केंद्रों पर आ जाएंगे, अगर इन आउटसोर्सिंग पदों पर भर्ती करना है तो आंगनबाड़ी को ही इसमें वरीयता प्रदान की जाए, तो ये बात यहां पर कही गई। अब ऐसे में कई सवाल उठेंगे, बहनों के मन में आएगा कि क्या हम केवल नुक्कड़ नाटक, प्रभात रैली, साइकिल रैली और ये क्या यही सब करने के लिए बने हैं? पोषण माह के तहत जो गतिविधियां हैं, गोद भराई, अन्न प्राशन, वास डे, ये वो, क्या यही सब करने के लिए हम बने हैं? क्या केवल गृह भ्रमण करने के लिए बने हैं? तो इस तरह से क्या हम जो है खांसी जुकाम बुखार संचारी रोग दिमागी नियंत्रण वो दुनियादारी के तमाम अन्य चीजें वेक्टर जनित जल जनित सब तरह के रोग, क्या ऐसे मरीजों की जांच करने के लिए हम बने हैं? क्या हम स्वास्थ्य विभाग के अंडर काम कर रहे हैं? उनको तो बहुत सारे जो है सवाल मन में सता रहे हैं। तो चूंकि इस तरह से ये चीजें ठीक नहीं है, उनकी मुख्य सेवाएं ही उनसे केवल ली जाए, इसीलिए बहनें प्रदेश के कोने कोने से आवाज उठा रही हैं, मांग कर रही हैं प्रशासन से। इधर हम बात करें शासनादेश में बदलाव भी किया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ियों को 20 से 25 साल का अनुभव है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि आउटसोर्सिंग भर्ती के आदेश में बदलाव किया जाए और आंगनबाड़ी को ही एजुकेटर के रूप में चुना जाए। इस तरह से यहां पर अभिवादन और शुभकामनाओं सहित आपका अपना सेवक दालचंद चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आगरा जनपद। तो आप देखिएगा ये एक जानकारी वहां से निकल करके आई है। आगे ले चलें तो कुछ और भी चीजें हैं इस वीडियो में देखने के लिए, जैसा कि हमेशा से वीडियो में कई खबरें रहती हैं। पुष्पेंद्र जी हैं संबल जनपद से आते हैं, आइए इनके वहां से भी एक लेटर दिखाते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश के संबल जनपद के जो हैं उन्होंने 23 तारीख को एक लेटर निकाला है। महेश कुमार जी हैं DPO संबल जनपद में, उन्होंने 23 तारीख को अभी एक लेटर ये निकाला जिसका पत्रांक है 1352 और अपने जनपद के सभी जो CDPO हैं उनके लिए उन्होंने ये लेटर जारी किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है विषय में कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जिसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं के आवेदन ऑनलाइन के मासिक लक्ष्य की पूर्ति के संबंध में। तो अब आंगनबाड़ी बहनों, अब आप पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जो लाभार्थी हैं, पात्र बालिकाएं हैं, उनके फॉर्म जो है ऑनलाइन करने को लेकर कह लो या आवेदन ऑनलाइन करने को लेकर के कह लो, हर महीने के लक्ष्य आपको दिए जाएंगे। अब उन लक्ष्यों के आधार पर आपको उतने उतने लोगों का फॉर्म जरूर से जरूर भरवाना पड़ेगा। तो काम का बोझ आप देखिए, ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप से लोग रखे जाने थे ऐसे कामों के लिए, ये उनके जरिए होना था या पूर्व में आशा कर रही थी, तो उन चीज उनके ऊपर से ये काम के बोझ हटा दिए गए, कार्यकर्ताओं को सौंप दिए गए। हमारे कुछ तथाकथित लोग जो आंगनबाड़ी बहनों के रहनुमा हैं, उनके यह भी पूर्व में विचार रहे हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बहनें फॉर्म ऑनलाइन करेंगी तो उनको अलग से आमदनी हो पाएगी। ये बात नहीं करेगा कोई कि आमदनी उनको मिलेगी भी हाथ पर या नहीं। ऐसे कई कार्य हैं स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यकर्ताएं करती हैं, लेकिन उन चीजों के पैसे हमारी बहनों के हाथों तक नहीं पहुंचते हैं, प्रावधान होने के बाद भी नहीं पहुंचते, प्रदेश के कुछ जगह पहुंचे बाकी जगह नहीं पहुंचे। तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं आखिर इनसे फिर कौन बाद में लड़ेगा? बहनें तो मेहनत कर लेंगी, मेहनत नहीं करेंगी तो लेटर कार्रवाई के निकल जाएंगे, वो तो समझ में आएगा, लेकिन मेहनत का भुगतान होगा कि नहीं इसके लिए कौन भविष्य में खड़ा होगा, ये सवाल है। और अगर कोई कहता भी हम खड़े होंगे तो वो जरा पूर्व में भी देखे पिछले कार्यों के पैसों को लेकर किन किन जनपदों में आखिर कितना कितना भुगतान
कराया जा सका है या कितना संभव हो सका है, इन चीजों पर भी थोड़ा विचार कीजिएगा। मेरे हिसाब से बढ़ते काम के बोझ ये कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है। 40-50 रुपया या जो भी मिल जाए इन फार्मों से तो वो भी तुरंत मिलेगा नहीं, लंबा समय बीतेगा, उसमें भी हमेशा की तरह अपने विभाग के लोगों की जो नजरें हैं भ्रष्टाचारी स्वरूप वो भी बनी रहती हैं। जब भी इकट्ठा किसी चीज का पैसा आता तो उसमें दलालियां भी चलने लगती हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं। वही बात करें यहां पर हम, आगे क्या लिखा गया, जिलाधिकारी महोदय जो संभल के हैं जिनके द्वारा प्रति महीने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो पात्र बालिका है उनके आवेदन फॉर्म भरवाने यानी ऑनलाइन करने को लेकर के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विभाग को 400 आवेदन फॉर्म भरवाने का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका परियोजनावार निम्न प्रकार लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी बात की जाए अगर तो यहां पर 400 आवेदन दिए गए हैं महीने के जो है यहां पर लक्ष्य के रूप में, तो हर महीने 400 आवेदन कम से कम कराने के लिए बोला गया। जनपद संभल के लिए 400 अपने विभाग के लिए हैं या अकेले आंगनबाड़ी बहनों से जो करवाने हैं, इनमें परियोजना वाइज उनको बांट दिया गया। जैसे असमोली में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 262 है, तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के आवेदन फॉर्म भरवाने के लिए जो मासिक लक्ष्य है वो वहां पर 60 दिया गया है। बहजोई में 183 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, 45 फॉर्म भराने का लक्ष्य है, और बनियाखेड़ा में 272 आंगनबाड़ी सेंटर है, 65 लक्ष्य दिया गया। गुन्नौर में 178 आंगनबाड़ी सेंटर है, 40 फॉर्म भरवाने का लक्ष्य दिया गया। जुनावई में 145 आंगनबाड़ी सेंटर है, 35 फॉर्म भरने का लक्ष्य दिया गया। पवासा में 270 आंगनबाड़ी सेंटर है, 60 फॉर्म भरने का लक्ष्य मिला। रजपुरा में 172 आंगनबाड़ी सेंटर है जहां पर 40 जो है फॉर्म भरने का लक्ष्य मिला। और संभल जो पड़ती है परियोजना 289 आंगनबाड़ी सेंटर संचालित है, 65 वहां पर फॉर्म भरने का लक्ष्य दिया गया। तो इस हिसाब से कुल योग 1772 आंगनबाड़ी सेंटर जो है संभल जनपद में है, और साथ ही 410 जो है आंगनबाड़ी बहनों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जो आवेदन फॉर्म है महीने में 410 टोटल वो भरने का लक्ष्य मिला है संभल जनपद को। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनका फॉर्म भरवाने ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल जो कि mksy.up.gov.in जिस पर उपयुक्त लक्ष्य के सापेक्ष 100% कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त का अनुपालन आप द्वारा मासिक आधार पर नहीं किया जाता तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। तो ये यहाँ पर जो महेश कुमार जी जिला कार्यक्रम अधिकारी संभल जिनके स्तर से ये चीजें भेजी गई। वही बात करें पुष्पेंद्र जी की जो संभल से आते हैं जिन्होंने प्रसारण के लिए इस जानकारी को भेजा था। दरअसल खेमवती जो यहाँ पर नाम लिखा है विकास खंड रजपुरा लिखा है और केंद्र इनका सलेमपुर है, आंगनबाड़ी बहन ने जानकारी भेजी थी। इधर बात करें एक और जानकारी सामने देखने को मिली है, साहसी आशा हैं जिन्होंने 3 बार बदमाश को पटका। ये यहाँ पर आगरा जनपद में एक आर्टिकल आया है और ये शास्त्रीपुरम पड़ता है, सिकंदरा वगैरह क्षेत्र वहाँ का मामला है। गोवर्धन धाम इलाके में रविवार को आशा देवी ने बदमाश को 3 बार धूल चटाई। बदमाश चाकू से प्रहार नहीं करता तो वह उसे मौके पर दबोच लेती। गर्दन पर चाकू से प्रहार के कारण वह बेहोश हो गई थी। आशा देवी ने बताया कि पति राकेश और वह मजदूरी करते हैं, मूलतः टीकमगढ़ के निवासी हैं, मंगलसूत्र उनके सुहाग के निशानी है, बहुत मेहनत करके पति ने दिलाया था। रविवार को दोपहर बदमाश घर में घुस आया, उनका मंगलसूत्र तोड़ने लगा, वह बदमाश से भिड़ गई और गुत्थम गुत्था हुई और करीब 15 मिनट तक उन्होंने बदमाश को जमीन पर गिरा रखा। 3 बार उसे धूल चटाई। अपने को गिरता देख बदमाश ने चाकू से उनकी गर्दन पर प्रहार किया, उसके बाद वह बेहोश हो गई। सोमवार को आशा देवी ने जो है होश आने पर बताया कि उन्होंने बदमाश का हाथ चबा लिया था, बदमाश जख्मी हुआ था, चाकू नहीं मारता तो वह बदमाश को जो है खुद घसीटकर थाने ले जाती। पुलिस ने रविवार की रात इस वारदात का खुलासा किया, भिलावली खेरागढ़ निवासी आकाश को गिरफ्तार किया गया। अच्छा हुआ कि हाथ में काट लिया, निशानी मिल गई, अब जहां पर कहीं जब ढूंढा जाएगा तो पता भी चल जाएगा, बताइए। और मिल भी गए, भिलावली खेरागढ़ निवासी हैं आकाश, जिन्होंने
जो है उनके साथ ये किया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में जो है गोली लगी थी। उसने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले ही आगरा आया था और पहले पंजाब में काम करता था। गोवर्धन धाम में किराए पर मकान लिया था। पत्नी की तबीयत खराब है, सरकारी अस्पताल लेकर गया था। वहां की हालत और भीड़ देख करके पत्नी घबरा गई। प्राइवेट में इलाज कराने को उसके पास रुपए नहीं थे, इसलिए वह लूट करने लगा। ये चीज़ें बताई गई। देखो गलत चीज़ें, गलत तो गलत है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास मुसीबत है तो आप किसी और को मुसीबत में डालोगे और किसी और का जो नुकसान करोगे। आप सोचिए जरा, इन आशाओं के पास भी क्या है, इनके वहाँ पर भी पति तो बेचारे मजदूरी करते हैं, कल को ये बीमार हो जाएं या परिवार में अन्य चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप इनका सामान चोरी कर लें, सब लेकर के जाएं, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? चोर चोर ही रहेगा, भले ही कितनी उसको ज़रूरत ही क्यों ना हो, वो गलत काम तो गलत ही रहेगा। विपत्ति आपदा अगर आप पर है तो उसको आपको झेलना चाहिए, ना किस तरह से किसी और को उसमें जो है परेशान करना चाहिए। इधर सोमती शर्मा जी कानपुर नगर से हैं, उन्होंने अपने वहां से एक ये मैटर भेजा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 50,000 पदों पर भर्ती जल्द पूरी होगी। दरअसल ये मामला दिखाया जा चुका है, 18 तारीख को राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम में आपकी जो कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इन चीज़ों को कानपुर में जाकर के बोला था। अब ये सब बातें दिखाई जा चुकी हैं। बाकी भर्ती के संबंध में एक बात कहना चाहेंगे बहनों कि भर्ती जो है आपकी, वो मैंने कहा था 7 दिन इंतजार करो, 7 दिन तक डेटा पोर्टल पर जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी, 21 दिन तक ऑनलाइन करने को मौका मिलेगा। वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, आप उस वीडियो को एक बार देखें तो लोगों को आभास हो जाएगा। कुछ भाई बहन पूछते हैं हमारे जनपद में कब भर्ती होंगी, हमारे जनपद में कब भर्ती होंगी। अरे भाई, चैनल पर मैंने बताया है कि जिन जनपदों में हो चुकी हैं उनका पूर्व में चैनल पर सब अपलोड है, दिखा दिया गया। आगे आने वाले समय में 7 दिन के बाद जहां जहां के ऑनलाइन होने के लिए शुरू होता जाएगा, और तो हम चैनल पर खुद लेकर के आएंगे, आपको उसके लिए अलग से नहीं पूछना। अभी पोर्टल पर तो आने दीजिए, हवा में कहां से बता दिया जाएगा कि कौन से जनपद में कौन सी तारीख को ऑनलाइन होगा। जो डेट आई है उस हिसाब से 7 दिन के बाद शुरू हो जाएंगी प्रक्रिया। अब होंगी तो बताया जाएगा, नहीं होंगी तब भी बताया जाएगा, तो सब्र तो करिए। काफी लोगों के पास सब्र के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा सब्र करिए भर्तियों के मामलों में। ऑल इंडिया से जुड़े रहिए, खबरों को अपना टाइम से देखिए, जानकारी जो भी होंगी वो आपको खबरों के जरिए से ही मिल पाएंगी। हम पर्सनली एक एक को मैसेज के थ्रू कुछ भी जानकारियां शेयर नहीं कर पाते, ये मेरे लिए संभव नहीं है। सैकड़ों मैसेज एक एक दिन में हमारे पास व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, न जाने कितने जो है चैनल पर भी मैसेज रहते हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं चैनल के मैसेजों को डेली जो है रीड कर पाऊँ, ये समस्याओं को वहां से उठा करके आपको ला पाऊं। फिर भी मैं कभी कभार कोशिश कर लेता हूं उन मामलों में। तो आप लोग थोड़ा समझिए, खबरों को देखिए, अपना भी थोड़ा टाइम दीजिए। हम सुबह दोपहर शाम 3-3 बार टाइम देते हैं आपके लिए, सच्ची खबरों के लिए, तो आप कम से कम देखने के लिए भी तो टाइम दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको देखना ना हो, बस उनको बस मैसेज किया, बस जानकारी हाजिर हो जाए। तो भैया ये हलवा नहीं है कि रवा का आपने डाला और तुरंत बना लिया और खा लिया, ऐसा नहीं है। मेहनत लगती है बनाने में, तो थोड़ा टाइम निकाल करके आप उसको देख तो सकते हैं। आपको देखने में कौन सी मेहनत लगेगी, कुछ भी कार्य करो, मोबाइल चला के अपना रख लो, सुन लो खबरें, अपना टाइम से जानकारी आपको मिलती रहेंगी। कुछ अलग का तो बताया नहीं जा रहा कि दुनिया भर की खबरें दी जा रही हो, दी तो केवल आंगनबाड़ी से रिलेटेड जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं समझने वाले लोग समझते हैं, वो डेली देखते हैं, जिनको पता है मैं जो कहने का प्रयास कर रहा। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।